आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री विधि से सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी एवं खाद प्रबंधन और सरसों के बीज या पौध की रोपाई के बारे में। सरसों का लगाने का सही समय है अक्टूबर से नवंबर तक। इसको जो धान का खेती फसल होता है ओला हम लोग कटाई कर लेते हैं, उसके बाद नर्सरी करके हम लोग सरसों लगाते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए हमें पहले बेड बनाना होगा। बेड का आकार है 3 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा और 6 इंच ऊंचाई। इसके ऊपर में वर्मी कंपोस्ट 1 टोकरी डालेंगे, उसके बाद ट्राइकोडर्मा मिश्रित जो गोबर खाद है वो डालेंगे 1 टोकरी। अब हम इसको मिला देने के बाद अच्छे से इसको समतल कर देंगे, प्लेन कर देंगे। अभी हम लाइन बनाएंगे, लाइन से लाइन के बीच में 5 सेंटीमीटर दूरी रखेंगे। 5 सेंटीमीटर हम लोग को जानने के लिए अच्छा उपाय है जो 4-4 अंगुली करके बनाएंगे। लाइन का जो गड्ढा है वो 1 इंच का होगा। अभी जो उपचारित बीज है उसे हम 1 सेंटीमीटर की दूरी में लगाएंगे। अब तो यहाँ बीजा डाल दिए, इसके बाद यहाँ पोवाल ढक देना है, उसके बाद पानी डाल देना है। ये जो हमारा अभी हम नर्सरी बनाए इससे 2-3 दिन में हम लोग का पौधा निकल जाता है और 15 से 20 दिन में ये हमारा नर्सरी तैयार हो जाता है। श्री विधि खेती करने के लिए खेत को अच्छी से जुताई करनी चाहिए, 3 बार खेत को गहरा जुताई करना चाहिए। दूसरा जुताई के बाद तीसरा जुताई करते हैं, उस समय गोबर का खाद या नाडेप खेत में डालते हैं। याद रखें, खेत में खाद डालने से पहले घनजीवामृत और ट्राइकोड्रामा उसी खाद में मिला के रखें। जब हम खेत को तैयारी कर लेंगे तब अपने सुविधा के अनुसार यहाँ क्यारी बनाएंगे। क्यारी बनने के बाद हम इसमें 1.5 फीट के दूरी में मेढ़ बनाएंगे। मेढ़ बन जाने के बाद हम इसमें 1.5 फीट के दूरी में ट्राइकोडर्मा मिश्रित खाद डालेंगे। इस तरह से हमारा लाइन का दूरी और पौधे का दूरी हमारा 1.5 फीट बनेगा। खाद को अच्छी तरह से हम मिट्टी में मिला करके इसमें 2 बीज लगाएंगे 1 इंची के गहराई में। ये नर्सरी को लेके जब मुख्य खेत में लगाने का होता है तो 1 दिन से पहले हम लोग इसमें पानी का छिड़काव कर देते हैं। उखाड़ने में थोड़ा हम लोग का मुलायम होता है, उसके बाद हम लोग को वहाँ लगाने में आसान होता है। तो हम अब इसको हम आधा घंटा बीजामृत में डुबा कर रखेंगे, उसके बाद ले जा करके हम लोग लगाएंगे। आने वाले वीडियो में हम सरसों की खेती में सिंचाई प्रबंधन एवं कीट तथा रोग नियंत्रण के बारे में जानेंगे। रोपाई से पहले खेत में ट्राइकोडर्मा मिश्रित खाद के प्रयोग से पौधों की जड़ों का विकास अच्छे से होता है और यह पौधों में होने वाली बीमारियों को भी नियंत्रित करता है।